रात अंधेरी बहुत तेज आई सी ते सानू नहीं पता पर मैं लगता कि शॉर्ट सर्किट होया वा मीटर तो ते उस करके अग लग गया जी। रब्बा मीह पा दे तेज कर दे रब्बा मीह नू तेज कर दे। टाइमिंग हुई जी 12:30 का टाइम से 1:30 वो फोन आया मैनू महल वाले का कि तुहाडी फैक्ट्री च अग लग गया जी आओ पहुँचो तो असी आए नाल दे नाल फायर ब्रिगेड नू फोन किया अद्धे घंटे च वो भी आ गए 3-4 गड्डियां। नुकसान तो सर करीब 70-80 लाख रुपए का नुकसान हो गया प्लस ये होजरी से टी शर्ट आ गई। गुरु नानक एरिया मर्सी चर्च के पास पड़ता है कंपनी अपनी। ये सर पता नहीं कैसे लगे मेरे को तो सुबह जानकारी मिला तो मैं देखने आया था जी। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी आई है यहाँ पर? 3 गाड़ियाँ आई थी। कितने टाइम पे पहुँच गई थी यहाँ पर? ये लगभग 2-2:30 करीब। नुकसान तो सर पूरी फैक्ट्री बहुत ज़्यादा हुआ है, पूरी बिल्डिंग जो है गंडम हुआ पर है। राती जड़ा आंधी तूफान चले है जड़ा आया वा तो उस करके अग लगी है अपना बिजली डिगी है कहने का मतलब कि नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो गया वा 70-80 लाख के करीब नुकसान है जी फैक्ट्री से जिन्ना भी अपना जड़ा स्टॉक से माल पिया से वो भी सारा रात रात कहने के राख हो गया सारा माल भी। मौके से तो चलो कह सकते हैं कि आईया भी सगिया तो थोड़ा लेट होया वा उन्होंने आने पर आ गई तो राती तकरीबन 1:30-2 आईया ने गड्डिया फायर ब्रिगेड दी घट्टो घट 4 गड्डिया सी फायर ब्रिगेड दी। जी मंग यही करते हैं कि देखो जी नुकसान होया जी अपने ये तो है नहीं कि जी अपना कोई शाहूकार है ज़्यादा मतलब कि घट्टो घट ना ना करते भी 70-80 लाख का नुकसान हो गया फैक्ट्री से बस यही है कि चलो जिन्ना भी नुकसान है उसकी भरपाई की जाए। द चिराग न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है मैं प्रिंस गिल। अज असी मौजूद हाँ भामिया महादेव कलोनी दे विच जिथे कि रात में जो तूफान आने के कारण एक निजी फैक्ट्री दे विच भयानक अग लगन कारण लखां दा नुकसान हो गया तो असी जेडे मालक है ने फैक्ट्री दे असी इन्हां नाल गलबात करते हैं कि उन्हां दा की कहना है किद्दां अग लगी है आओ तुहानूं तस्वीरां दिखाईए और गलबात करते हैं। मेरा जी संजय प्रसाद। सर ये जड़ी आग लगी थी किद्दां लगी सी? ये सर रात अंधेरी बहुत तेज आई सी ते सानू नहीं पता पर मैनू लगता कि शॉर्ट सर्किट होया वा मीटर तो ते उस करके ये अग लग गया जी। कितने दा टाइमिंग सी? टाइमिंग हुई जी 12:30-1 का टाइम से 1:30 वो फोन आया मैनू महल वाले का कि तुहाडी फैक्ट्री च अग लग गया जी आओ पहुँचो तो असी आए नाल दे नाल फायर ब्रिगेड नू फोन किया अद्धे घंटे च वो भी आ गए 3-4 गड्डियां फिर जाके जी आगे तो कंट्रोल होया जी। कितने का नुकसान हो गया? नुकसान तो सर करीब 70-80 लाख रुपए का नुकसान हो गया प्लस ये होजरी से टी शर्ट आ जी। ये जी गुरु नानक नगर 2 नंबर गली अपना नियर मर्सी चर्च ताजपुर रोड। की मांग कर रही हो? मंग यही है जी जो भी इंश्योरेंस हैगा या जो कुछ हैगा वा तो मैं जल्दी तो जल्दी प्रोवाइड कराया जाए ताकि मैं दोबारा शुरू कर सका फैक्ट्री। नाम क्या है आपका? संदीप कुमार नाम है मेरा सर। ए, जो ये आग लगी है कहाँ पर लगी है कैसे लगी है? ये सर गुरु नानक एरिया मर्सी चर्च के पास पड़ता है कंपनी अपनी। ये सर पता नहीं कैसे लगी मेरे को तो सुबह जानकारी मिला तो मैं देखने आया था जी। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी आई है यहाँ पर? 3 गाड़ियाँ आई थी। कितने टाइम पर पहुँच गई थी यहाँ पर? ये लगभग 2-2:30 करीब। आग कितने बजे लगी थी? आग का सर तो मोहल्ले वाले ने बताया पता नहीं था लगभग वही आधे घंटे पहले लगा था 1:30 के आसपास। कितना नुकसान हो गया? नुकसान तो सर पूरी फैक्ट्री बहुत ज़्यादा हुआ है, पूरी बिल्डिंग जो है गंडम हुआ पर है। अब क्या मांग कर रहे हो आप? मांग सर वही जो है अपना नुकसान की भरपाई जो करना कर दे सर यही मांग है। अजय सर क्या नाम है आपका? जी पंकज कुमार नाम है जी।
सर अग कि लगी और कितने लगी है जी? अग अपनी लगी हैगी महादेव कलोनी हैगी है तो राती जड़ा आंधी तूफान चले जड़ा आया वा तो उस करके अग लगी है अपना बिजली डिगी है। कहने का मतलब कि नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो गया वा 70-80 लाख के करीब नुकसान होया जी फैक्ट्री से। जिन्ना भी अपना जो स्टोक से माल पिया वो भी सारा रात रात कहते नहीं राख हो गया सारा माल भी जिन्ना करके सब जल के भुन गया। मौके से तो चलो कह सकते हैं कि आईया भी सगिया तो थोड़ा लेट होया वा उन्होंने आने पर आ गई तो राती तकरीबन 1:30-2 बजे आईया ने गड्डिया फायर ब्रिगेड दी घट्टो घट्ट 4 गड्डिया सगिया जी फायर ब्रिगेड दी। मांग कर रही जी मांग यही करते हैं कि देखो जी नुकसान होया जी अपने ये तो है नहीं कि जी अपना कोई शाहूकार है ज़्यादा मतलब कि घट्टो घट्ट ना ना करते भी 70-80 लाख का नुकसान हो गया फैक्ट्री से। बस यही है कि जो चलो जिन्ना भी नुकसान है उस चीज़ की भरपाई की जाए उस चीज़ मिले उस चीज़ का होगा।